झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियों का सूचनात्मक सार झारगांव साप्ताहिक समाचार। शुरुआत करते हैं 21 मई की गतिविधियों से। इस दिन झारखंड आंदोलन में अग्रणी योद्धा के रूप में योगदान देने वाले पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी एवं विधायक सीता सोरेन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य के वीर शहीदों के सम्मान हेतु हमारी सरकार राज्य के विभिन्न शहीद स्मारकों को भव्यता प्रदान करने का कार्य कर रही है। अपने केरल दौरे के क्रम में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीकी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ कोच्चि स्थित केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान CIFT का भ्रमण किया, जहां उन्होंने मत्स्य पालन से जुड़ी तकनीक एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने केरल राज्य की उत्कृष्ट कृषि नीति एवं तकनीक को झारखंड में अपनाए जाने पर बल दिया और एक्सेलेंस के रूप में से जाना जाता है और आकर पता चला कि हमारे देश में कितने बेहतर इंस्टीट्यूट सब है जिसको सभी स्टेट्स को यहाँ की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि झारखंड में यहाँ से टेक्नोलॉजी को ब्रॉड करके इनसे कुछ सीख के इम्प्लीमेंट कराएं ताकि आने वाले दिनों में वहाँ लगभग 1,00,000 फिशरमैन के जीवन में बदलाव ला सकें और उन्हें फिशिंग पैसे से एक प्रोफेशनल के तौर पर तैयार कर सकें। वहीं विभागीय सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने बताया कि राज्य के किसानों को कम खर्च में ज्यादा मुनाफा दिलाने के मद्देनजर CIFT से तकनीकी सहयोग लेने की बात कही। फिशिंग प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट सरप्लस आ गया है, अभी हम लोग को उसको एक्सपोर्ट करने का, प्रोसेसिंग करने का, वैल्यू एडिशन करने का, ये सब डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है। उसमें हमको हैंड होल्डिंग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कंसल्टेंसी के लिए ऐसा संस्था की आवश्यकता है जो इस सेक्टर में गणमान्य हो, इस सेक्टर में अथॉरिटी हो, इस सेक्टर में एक्सपर्टाइज हो, उसके रूप में हम लोग CIFT का सेवा यूज कर सकते हैं। झारखंड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड रांची की टीम ने पटना में बिहार राज्य बीज निगम का दौरा किया। इस क्रम में टीम के सदस्य बिहार राज्य बीज निगम के प्रबंध निदेशक आलोक रंजन घोष से मिले। प्रबंध निदेशक ने झारखंड राज्य कृषि विकास निगम की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली और उसके क्रियाकलापों के आधार पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। झारखंड हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए चीफ जस्टिस को धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं दी। अब रुख करते हैं 22 मई का। इस दिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जुडको के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जुडको द्वारा प्रस्तावित जोनल ब्यूटिफिकेशन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रीट एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अल्बर्ट एक्का चौक टू कचहरी चौक एंड सराउंडिंग एरियाज इन रांची के मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन देखा तथा अधिकारियों को कार्य योजना से संबंधित कई अहम निर्देश भी दिए। वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची के निदेशक प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में शिष्टाचार भेंट वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सीएम को IIM की उपलब्धियों से अवगत कराया। अब एक नजर डालते हैं 23 मई पर। इस दिन झारखंड के पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात की तथा उन्हें पलामू जिले में अपराध की शिकार हुई दो पीड़िताओं को सहायता राशि उपलब्ध कराने से संबंधित ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी ओर JMM विधायक सीता सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल CP राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट के जरिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घातकीडीह सरायकेला खरसावां आगमन पर जिला प्रशासन के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावां के घातकीडीह में लखी चरण किस्कू के सुपुत्र के विवाह समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने नवदंपत्ति को खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दी।
अब बात करते हैं 24 मई की। इस दिन माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर आईं। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति बाबा वैजनाथ की नगरी देवघर पहुंची, जहां उन्होंने बाबा धाम मंदिर में षोडशोपचार विधि से विशेष पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा वैद्यनाथ से देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मंदिर श्राइन बोर्ड की ओर से अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। दूसरी ओर झारखंड की राजधानी के बिरसा चौक स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने माल्यार्पण कर भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। 24 मई का दिन झारखंड के इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया, जब माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में 165 एकड़ में फैले झारखंड हाईकोर्ट के निर्मित भव्य भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस उपलब्धि के साक्षी बने। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के जल्द निपटारे पर बल दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़, सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उद्घाटन समारोह को संबोधित कर अपने विचार प्रकट किए। न्याय व्यवस्था को नागरिकों तक पहुंचना होगा। न्याय की खोज उलझन बनने से सामाजिक न्याय नागरिकों तक कैसे पहुंचे? आज भी पिछड़ी जनजातियों आदिवासी वर्ग के पास जमीन के दस्तावेज की कमी है। इन सब चीजों पर हमें ध्यान रखना ही होगा। Glad to say that the institution has been a beacon of hope for the countless individuals seeking justice and has played a crucial role in shaping our state. Here the rights and the liberties of our citizens are safeguarded, disputes are getting settled. And the oppressed find the solace and redress. ये झारखंड के करोड़ों जनता के लिए गौरव का क्षण भी है। अभी हमने देखा लगभग 165 एकड़ में फैली ये परिसर में झारखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। एक आदिवासी बहुल छोटे राज्य में यह भवन तथा परिसर देश के किसी भी उच्च न्यायालय के भवन तथा परिसर से बड़ा है। मुझे आशा है कि झारखंड, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब लोग की बहुलता है, उन्हें सरल, सुलभ, सस्ता तथा तीव्र न्याय दिलाने में की दिशा में यह संस्था एक मील का पत्थर साबित होगा। इन स्टेट लाइक झारखंड विथ रिच लिंग्विस्टिक वेराइटी, these factors becomes all the more relevant. I am sure the authorities are considering ways to make the court processes more accessible to people who are more comfortable with languages other than English. अब रुख करते हैं 25 मई का। इस दिन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने झारखंड दौरे के क्रम में खूंटी जिले के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भ्रमण किया तथा उनके साथ सीधा संवाद किया। इस सम्मेलन को राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया। इन लोगों को मैं सराहना करती हूं, क्योंकि आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आप केवल आर्थिक विकास नहीं करते, सामाजिक विकास, सामाजिक सुधार भी करते हैं। समाज में जो भी ऐसे रीति रिवाज है, गलत रीति रिवाज है, बहुत लोगों का थोड़ा पिछले चिंताधारा है, उसको भी आप खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और आग्रह करती हूँ, क्योंकि आप महिला समूह से एक कदम आगे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे महिला समूह है, समय निकाल के उनको भी थोड़ा दिग्दर्शन दे, उनको भी थोड़ा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर लातेहार के
महुआ डांड स्थित ग्वालखांड गांव की बुजुर्ग महिला लालो कारवाइन को मई माह तक के वृद्धा पेंशन का भुगतान किया गया तथा भविष्य में बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। वहीं गांव के सभी लोगों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इसी दिन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं के बीच मेडल एवं उपाधि प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने छात्रों का मार्गदर्शन भी किया, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना किए जाने का भरोसा दिलाया। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते ही रहते हैं सरकार के माध्यम से, एक डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की भी परिकल्पना की गई, जो लगभग 300-400 करोड़ रुपए का से के लगभग का राशि से बनेगा, जहां हम अपने जो कम पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको भी तकनीकी शिक्षा देकर कैसे हम लोग रोजगार से जोड़ पाए, ये भी हम लोगों का और सरकार का सोच है। थिंग When your mind is determined and your goal is fixed and you are starting moving towards your goal with the determination and the dedication and involvement, the success may be get delayed little, but success is yours. Never give up. If you want to take a break, yes, in the extraordinary circumstances, you can take a break, but never give up. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स और इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज के द्वारा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि IIIT रांची आने वाले समय में रिसर्च और इनोवेशन के एक हब के रूप में अपनी परचम लहराएगा। झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों नामांकन के लिए 41,330 आवेदन जमा किए जा चुके हैं, जो कुल सीट 11,986 की तुलना में 345% अधिक है। बता दें कि 25 मई तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को पुष्प गुच्छ तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। वहीं दूसरी ओर राजभवन में माननीय राष्ट्रपति के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरा पूर्ण कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 मई को दिल्ली लौट गईं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदा किया। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग के शासी परिषद की 8वीं बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों को धरातल पर उतारते हुए झारखंड को उचित सहयोग प्रदान करने सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग की अपील की, ताकि विकसित भारत के लिए झारखंड भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सके।